चीजों में और चार था कि जैसा आपने कहा था कि अगर आप वो घर दिखा सके और वो स्थल दिखा सके, मतलब जहां वो दाग हो भले वो ना दिखाया जाए लेकिन वो छत पर अगर आप दिखा सके कि कैसे वो आरोपी अंदर गया, वो जो गेट मौजूद है यहां से वो कैसे अंदर गया होगा और वो छत कितनी दूर है, कैसे वो चल कर गया होगा, ये चीज तस्वीरों में आप दिखा सके तो मैं अभी तस्वीरों में सबसे पहले जहां आरोपी की दुकान है वहां से आपको दिखाता हूं। आरोपी बिल्कुल सामने ही रहते हैं, आरोपी से शुरू करते हैं या यही घटना स्थल में, जो घटना स्थल है वो आपको दिखाते हैं, जहां से वो दुकान है जहां से आप कह रहे हैं अगर दूरी कम जी है, ताकि वो पूरा सामने ही है, बिल्कुल सामने ही है। एक मिनट मैं वहीं आपको ले चलता हूं जहां पर कि आरोपियों की दुकान है, और आरोपियों की दुकान और इनके घर में सिर्फ एक सड़क का फासला है जो ज्यादा से ज्यादा 20-25 फीट चौड़ी सड़क है, उसी का फासला है। हाँ, मतलब ये पूरी जानकारियां देते हुए, क्योंकि अमर उजाला जो ग्राउंड पर है और आपके जरिए राकेश जी जिस तरीके से हम उस पूरी घटना स्थल को देख पा रहे हैं, उस पूरी दूरी को, उस पूरे अंतर को समझ पा रहे हैं, और ये जो बात बार बार आ रही है कि परिवार जानता था, वो जो अभी दादी ने कहा वो कितनी मार्मिक बात है कि वो छोटे छोटे बच्चे इन आरोपियों को भैया कहते थे, वो दुकान में अपने नंबर लगाने की बात करते थे, और एक सड़क के फासले पर जो व्यक्ति था जो अपनी पत्नी की डिलीवरी की बात, उसकी प्रेगनेंसी की बात कह रहा था, उस आधार पर पैसे मांग रहा था, जो अपने बच्चे की बात कह रहा था, वो सामने वाले किसी के घर में जाकर उनके मासूम बच्चों का कत्ल कर दे, और वो भी, वो जो आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी दी कितनी नृशंसता के साथ, कि न सिर्फ गला काटा गया बल्कि शरीर पर कई वार किए गए, शरीर के अंगों पर वार किए गए, काफी मारे गए। आप बताइए जी, ये आपको यदि दिख रहा हो जहां ये मिल्क लिखा हुआ है, ये उसका सैलून है, और सैलून अंदर इसी सैलून में ये बैठते थे दोनों। ये सैलून है जिसका अब सब गायब है, सामान और सारे लोग गायब हो चुके हैं यहाँ से। इसी सैलून में ये दोनों हत्यारे यहाँ से ही गए थे, और इसके बाद जब आप चलेंगे तो करीब 20 फीट चौड़ी सड़क है, और सामने संगीता ब्यूटी पार्लर के नाम से बच्चों की माँ की दुकान है। आप सामने देख रहे होंगे कि एक सुंदर सा मकान नजर आ रहा है, बाहर एक कार खड़ी है, भीड़ भाड़ लगी हुई है, और इसी मतलब एक 20 से 22 फीट चौड़ी ये सड़क है, जिसके फासले के बाद दोनों हत्यारे अपनी बाइक से, जैसा कि उसकी मां ने बताया कि बाइक से गए थे, और उसके बाद घर के अंदर घुसे हैं, बच्चों की मां उनके लिए चाय बनाने लगी, तब तक वो घर में उस समय दादी, तीन बच्चे और बच्चों की मां, इतने लोग थे। जो उनके पिता हैं वो घर से बाहर थे, मोहम्मदी जो लखीमपुर जिले में है वहां पर थे, और ये 7 बजे 6:30 से 7:45 के बीच में ये लोग प्रवेश किए, उनके लिए चाय वाय बनाने लगी उनकी माँ, तब तक वो दो बच्चों को लेकर के ऊपर चला गया, दो साजिद जो पकड़ा गया है, जो जिसकी पुलिस मुठभेड़ में जान गई है। और ये वो घर है, आपने देखा कि शायद 1 मिनट का ही समय लगा होगा, 1 से 1.5 मिनट का, कि और समय शायद उससे कम लगे, वो तो आप पूरी जानकारी देते हुए आ रहे हैं इसलिए शायद थोड़ा समय और लगे। और इस समय हम उनके घर में ही प्रवेश कर रहे हैं, आप देख रहे हैं बहुत सारी भीड़ भाड़ है, सीढ़ियां चढ़ के उनके घर के अंदर हम जा रहे हैं, और जो वारदात स्थल है वो सबसे घर इनका 2 मंजिल का है, 2 मंजिल की जो ऊपर छत है, छत में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और जब आरोपी भाग रहे थे तब इन्होंने, समझदारी इनकी दादी ने दिखाई, गेट बंद कर दिया, तो एक आरोपी पकड़ा गया जो बाद में एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। ये आप देख रहे हैं कि घर में आस पड़ोस और क्षेत्र से बहुत सारी महिलाएं हमदर्दी व्यक्त करने आई हैं, घटना पर दुख व्यक्त करने आई हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही, एक सावधानी जो मैं आपसे चाहूंगा कि जब आप छत पर जाएं तो कोशिश ये करिएगा, क्योंकि वहां पर जो दाग हो या वो चीजें हम ना दिखाएं, क्योंकि हमारे कई जो दर्शक हैं वो शायद उस चीज से विचलित हो सकते हैं, तो उससे जरूर बचिएगा। जी 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 जी, आप आगे प्लीज कंटिन्यू करें। ये जो इनका 2 मंजिल का घर है, इसमें सबसे ऊपर वाली छत में, दूसरी मंजिल पर नीचे वाली जो फ्लोर है, सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर इनका निवास है, और सेकेंड फ्लोर पर ब्यूटी पार्लर है, सेकेंड फ्लोर की जो छत है उसमें वारदात को अंजाम दिया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।